परीक्षा केंद्रों पर आज टीजीटी परीक्षा संपन्न हुई। 10,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। प्रशासन के भी व्यापक बंदोबस्त देखे गए। इस परीक्षा केंद्रों पर टीजीटी परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें व्यापक बंदोबस्त किए गए। 10,588 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो चुस्त दुस्त व्यवस्थाओं के मध्य आज की परीक्षा संपन्न हुई। प्रशासन द्वारा विभिन्न उड़न दस्ते और सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए, साथ ही जगह जगह स्कूलों पर व्यापक पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। महिला आरक्षी के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल भी तैनात किए गए। इस अवसर पर शहर के महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में व्यापक बंदोबस्तों का जायजा लिया गया। साक्ष्य न्यूज की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान देखा गया, व्यापक बंदोबस्त थे, व्यवस्थाएँ सारी चुस्त दुरुस्त पाई गईं। परीक्षा हो रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं स्कूल प्रशासन ने की? हमारे विद्यालय में अच्छी परीक्षा है और 960 हैं, दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, और 480 बच्चे हैं दोनों ब्लॉक। किस तरह व्यवस्थाएं रखी गई? सीसीटीवी कैमरे के अंडर में हो रही है सारी परीक्षा। फिरोजाबाद में 22 परीक्षा केंद्रों पर टीजीटी एलटी ग्रेड की परीक्षाएं आज संपन्न होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। लगभग 10,000 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। खास तौर पर देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे और सचल दस्ते के दौरान इन पूरी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई है। नकल विहीन परीक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकार ने निर्धारित किया है, उसको लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। देखना यह है कि अब इस परीक्षा व्यवस्था को किस तरह सुदृढ़ किया जाएगा और जो परीक्षा में खामियां पाई जाएंगी उनको लेकर प्रशासन क्या रुख अपनाता है।